नमस्कार, मैं हूं पीयूष अमर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, पल्लवी पटेल की जो बहन है अनुप्रिया पटेल, जिनकी पार्टी का नाम है अपना दल सोनेना, उनकी पार्टी ने 96 सीट से, जी हाँ 96, मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा है वहां से रिंकी कौल को अपना प्रत्याशी बनाया। यानी कि भाजपा और अपना दल सोनेलाल जो है वो अपना प्रत्याशी उन दोनों ने मिलाकर उतारा है रिंकी कौल को, और उस पर देखिए सियासत जो है वो काफी गर्मा। यानी कि देखा जाए तो पल्लवी पटेल पर सीधा निशाना साधा है अनुप्रिया पटेल ने। और आपको बताया कि कल नामांकन था, नामांकन में गए थे और नंद गोपाल नंदी भी देखिए उनके साथ, अनुप्रिया पटेल के साथ दिखे थे। क्या कुछ बोले नंद गोपाल नंदी पल्लवी पटेल और अखिलेश के बारे में, सुनिए उनकी जुबानी। सर ये बताइए, आज नामांकन कर रहे हैं, क्या है भरोसा जीत का? 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिलकर के हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कौल जी को आज नामांकन कराए हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है, हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते, दोनों सीट पे जीते हैं स्वार और यहाँ छाने, निश्चित रूप से दोनों सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। ये हत्याकांड हुआ है अतीक अहमद का, उस पे क्या कहना? अभी आप इसकी बात करिए, अभी चुनाव की बात करिए, चुनाव की बात करिए, जो शूटर मारे गए उस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, चुनाव की बात करिए। किसी गिरोह के, ये लग रहा है कि मुंह में घुसा के बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुंह नहीं, ऐसे पूछ रहा है किसी गिरोह के थे या अभी कुछ इनपुट मिला है? तो देखा कैसे आपने कि नंदगोपाल नंदी ने बोला है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है वो बुरी तरह हारने वाली है इस पूरे उपचुनाव में। और साथ ही साथ देखिए कि आपको पता है कि दो सीटों पर उपचुनाव है जिसमें से 96 सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पल्लवी पटेल से सीधी टक्कर देके उनकी बहन की है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार 96 सीट जो कि मिर्जापुर की विधानसभा सीट है उससे कौन जीतता है, क्योंकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, भाजपा ने वो सीट जो है वो अपना दल सोनेलाल को दे दिया, यानी कि अनुप्रिया पटेल को दे दी जिसने रिंकी कौल को देखे अपना प्रत्याशी बनाया है वहां से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।